गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वंस ट्वाइस देन ओनली रिटन बाय कॉलिन टेक्सियर। एंड बिफोर टीचिंग यू दिस लास्ट पार्ट आई वांट टू डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इट वाज इवांस हु हैड बीन फ्री फ्रॉम द जेल एंड नाउ ही वाज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ in a hotel of Jum Golden Lion, and after a very sweet walk he decided to go back in his room, and as well as he opened his room he found the most valuable thing in his cot or room, that person for whom he never liked to see, and that one was the governor of Oxford prison. And the governor said that it was a no use for humans to run away from that place, because the whole hotel Jum Golden Lion was surrounded by the policemen. Though it was a fact that there were only two policemen there. Okay, so my students, open page number 89. And like a fool, I presented you with that little piece of information on a plate. और एक मूर्ख इंसान की तरह मैंने आपको वो जो information थी वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। Well, somebody did. ठीक है, किसी ने तो किया। So you see, sir, that corruptions killed two birds with a single stone. Underline कर लीजिएगा, killed two birds with a single stone का मतलब होता है एक तीर से दो सिक्का, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। इसका मतलब होता है एक तीर से दो सिक्का करना। तो उस करप्शन स्लिप से हमने दो काम कर दिए। वहां से डिड नॉट इट, क्या हमने नहीं किए थे? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, देखिए होटल का नाम मेरे लिए मिल गया, एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एग्जाम स्टार्टेड फॉर और हमें यह भी पता लग गया कि एग्जाम का जो एग्जैक्ट टाइम था वो क्या था। द गवर्नर नॉडेड, इट इज अ प्रीटी कॉमन वर्ड। तो गवर्नर ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बात है। गुड जॉब, इट इज अ प्रीटी कॉमन सर। अरे साधारण सी बात है, ये तो बहुत अच्छा वर्क किया है सर। और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू बुडाई, और मुझे कभी नहीं पता लग पाता अगर करप्शन चेक नहीं आती कि मुझे किस होटल में जाना है। नाइस नेम दो, जूम गोल्डन लाइन, बड़ा बढ़िया नाम है सर मिलकर, जूम गोल्डन लाइन। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम। तो इवांस बोला, आपको सब कैसे पता लगा कि मैं कौन से जूम गोल्डन लाइन में जाऊंगा? यहाँ तो सैकड़ों हैं, जैसे आपके महरी में समर रेस्टोरेंट आई थिंक 4 या 5 हैं, बिल्कुल वैसे, लेकिन उनको अलग अलग जगह है और अलग अलग जगह का जो एड्रेस है वो अलग होता है। सेम एज यू इवांस, तो गवर्नर बोला इवांस जैसे तुमको पता लगा वैसे ही मुझे पता लग गया। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब करप्शन स्लिप हो रही थी, मैटेरियल करप्शन करवा रहा था, तो उसमें लिखा था नंबर 313, देखिए याद है, सेंटर नंबर 271, सेंटर नंबर कितना था 271, रिमेंबर 6 फिगर्स, याद रखिए ये 6 फिगर्स है। एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनरी सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड साइड, और अगर आप ऑक्सफोर्ड साइड का सर्वे मैप ले लेंगे, एंड इफ यू टेक यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस 313 अपॉन 271, तो ये हो जाएगा आपका 313 अपॉन 271। देखिए आपने देखा होगा आपके घरों पे भी इस तरीके के नंबर पड़े होते हैं कि गली नंबर ये और मकान नंबर ये, इस तरह से। लेट्स यू वेंट इन द मिडिल द चीपिंग नॉट, और आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाएगा कि ये जो पता है वो चिपिंग नॉर्टन का है, या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो जूम गोल्डन लॉयन था वो चिपिंग नॉर्टन में था, या एमसीक्यू में आ सकता है। या यू आर राइट, बोले सर बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। ओ वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी, लेकिन इवांस बोला सर हमने तो उम्मीद ये करी थी कि वो हमें न्यू
इंस्पेक्टर बोला वी डिड, अरे यार हम पागल हो गए थे, हम तुम्हें पूरे दिन न्यूमरी में खोजते रहे। वेल दैट इज समथिंग आई सपोज दैट क्वेश्चन पेपर इवांस कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन, आई कुड हार्डली। कि इवांस क्या तुम सारी जर्मन को समझ लेते हो, मुझे तो बड़ी मुश्किल में समझ में आई ना। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट, आई नो रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, मैं जानता हूं रफली, मतलब बहुत ही हल्के पन से। बट वी जस्ट होप इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द होल्स, यू नो शॉर्ट ऑफ मडल एवरीबॉडी ऑफ विट। स्पैनर्स का लिखा है प्रॉब्लम्स और मडल का लिखिए डिस्टर्ब। तो मैं जर्मन वर्मन नहीं जानता, लेकिन वो जर्मन लिखने के बाद हमारे दिमाग में ये आ गया कि आप लोग उस ट्रैप में फंस जाओगे, उसको डिकोड करते रहोगे, डिकोड करने के चक्कर में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। द गवर्नर स्टोडा, गवर्नर चारपाई से खड़ा हो गया, देखिए इस तरह से बैठा हुआ है, देखिए आप पास में लाके दिखाते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। टेल मी वन थिंग बिफोर यू गो, बोले इवांस तुम्हें जेल जाने से पहले मुझे एक बात बता दो, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, तुम यार इतना खून कहां से लिया जो तुमने अपने पूरी बॉडी पर भी डाल दिया, सर पर भी डाल दिया। इवांस सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, इवांस अपनी होशियारी पे थोड़ा मुस्कुराया। क्लेवर से, देखो हमने मैं चालाक से कितना चला हूं मैं सर, वेरी क्लेवर दैट वाज, हाउ टू गेट अ कपल ऑफ प्रिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल। हां वास्तव में बहुत चालाकी वाली बात है कि जेल की कोठरी में इतना ज्यादा ब्लड आ जाए, वो भी बाहर से। व्हेन देयर इज अ नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद और एंड व्हेन बिफोर एंड व्हेन द इन्विजिलेटर, तो बोले जब सर आप कोई भी नहीं था तो हमने शुरुआत किया, और वो जो इन्विजिलेटर आया था आपको याद होगा, वो मैक्लेरी के बारे में बात करता है। यस सर यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट एंड आई डोंट नो इफ आई हैड टू टेल यू, आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पार्टिकुलर, और मैं भी वो विशेष चीजें यूज करना चाहता था, एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर अ पाइल्स परहैप्स। तो गवर्नर बोला शायद मुझे पता है, आप क्या सोचते हो कि हमारा आइडिया नहीं गया कि आप अपना ब्लड कहां से ले आए, हमने आइडिया लगा लिया था लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे थे। वो जो पाइल्स के लिए, वो कह रहा था मैं हेमोराइड्स की बीमारी से परेशान हूं, तो वो जो मैक्लेरी रबर ट्यूब लाया था उसी में ब्लड भरा हुआ था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इवांस थोड़ा सा उसका चेहरा लटक गया, बोले हाँ सर आप सही कह रहे हो, वो उसी में ब्लड भर के लाया गया था। इवांस ग्रैंड फीवली हल्के से मुस्कराया, क्लेवर दो वाज नॉट इट, तो इवांस बोला कि सर वास्तव में ये हमारा चालाकी से भरा हुआ आइडिया नहीं था। Must have been a tricky job staking a couple of pins. Now you have got it wrong, sir. No problem about that. तो बोले ये tricky job हो सकती है, लेकिन staking a couple of pins, इतना ज़्यादा जो blood है, वो जमेगा नहीं, वो थक्का नहीं बनेगा। भाई आपने देखा होगा blood थोड़ी देर के लिए कहीं पे फैला हो तो उसके बाद क्या होता है, वो clots बन जाते हैं उसके। तो बोले ना you have got it wrong, sir. No problem about that. बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ऐसा कुछ उसमें मिला दिया था ना, इट इज अ क्लॉटिंग, यू सी दैट्स अ बिग ट्रबल, वी गॉट द ब्लड इज हियर नाउ, बिग ब्लड। तो बोले इतना ब्लड कहां से लाए, तो बोले कहीं से भी नहीं, ये स्लॉटर हाउस से ले आए, पिग का सूअर का ब्लड ले आए हम। इट वाज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किंडलटन को अंडरलाइन कर दीजिएगा कि स्लॉटर हाउस कहां था, तो किंडलटन में था। But to stop clotting, you have got to mix your actual blood. तो आपको उसमें थोड़ा सा actual blood मिलाना पड़ेगा। Evans took a breath with 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. देखिए PCM group के student बच्चे थे, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसने बताया 3% हमको trisodium citrate मिलाना पड़ेगा blood में, तो blood फिर clot नहीं होगा उसमें। Did not know that, did you sir? क्या आपको नहीं पता? क्या आपको पता है? इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये भी आ सकता है कि ब्लड का क्लॉट बनने से रोकने के लिए कौन सी चीज मिलाई जाती है। अब इंग्लिश का पेपर है, साइंस का सवाल है, तो आप कहोगे साइंस का सवाल कहां से आ गया, लेकिन आपकी सी में बुक में ट्राइसोडियम साइट्रेट अंडरलाइन है।
The governor shook his hand in a token of reluctant admiration. और the governor ने ऐसे सर हिलाया लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की. We learn something new every day. They tell me, come on, my lad. तो गवर्नर बोला कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम रोज सीखते हैं. आज आपने मुझे बता दी, मुझे पता लग गया. अब चलो मेरे बच्चे, चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया ससुराल जाने का, मतलब जेल जाने का. चलो अब मेरे साथ. Ivan spread no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. Ivan ने बिल्कुल भी हेरी हुज्जत नहीं की, तुरंत बिना परेशानी के वो गवर्नर के साथ चल दिया. उसने कहा अब तो बचने का कोई चांस नहीं है, और दो पुलिस वाले और उसके साइड साइड चले गए. Tell me once, how did you manage to plan all this business? You have had no visitor. I have seen to that you have had no letters. तो गवर्नर ने कहा मेरी एक बात समझ में नहीं आई इवांस, तुमने एकदम से ये सारी प्रोग्राम कैसे बना लिया, जबकि तुम्हारे पास कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था, तुम्हारे कोई लेटर्स भी नहीं आते थे. तो ये प्लान बनाने के लिए, इतना लंबा प्लान बनाने के लिए सालों लग जाएंगे. और मैक्लेरी जो था वो तो दो घंटे के लिए आया था, तो दो घंटे में तो ये सारी चीजें वो नहीं आई. आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड दो. तो बोले क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं. What is about supposed to mean? तो गवर्नर बोला इसका क्या मैं मतलब निकालू. बोले मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट. बोले सर याद करिए वो जर्मन टीचर जो एक साल से मेरे पास आ रहा है, आपने कभी उसे चेक करा कि वो जब रियली में जर्मन टीचर है भी या मेरे गैंग का एक हिस्सा है. तो आप अपने माइंड में फील कर लीजिएगा, जो एक साल से लगातार जर्मन टीचर आ रहा था इवांस को पढ़ाने के लिए, वो फेक जर्मन टीचर था. यू मीन व्हाट ही वाज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज. तो गवर्नर बोला अरे क्या बात कर रहे हो, तो टेक्निकल कॉलेज का लड़का था. वाज ही क्या वो वास्तव में था. इवांस वाज ऑलमोस्ट एंजॉयिंग इट ऑल नाउ. एवर चेकअप ऑन हिम सर. बोले कभी क्या आपने चेक किया कि वो टेक्निकल कॉलेज से आता है नहीं आता है. जब आपने चेक ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि वो टेक्निकल कॉलेज से आता हुआ. बिल्कुल जैसे ही उन्होंने मैक्लेरी के साथ किया, जैसे मैक्लेरी को बांध कर डाल दिया, उसकी आईडी कार्ड ले ली, ऐसे टेक्निकल कॉलेज का जो रियल टीचर होगा उसके भी साथ उन्होंने ऐसा करा होगा. और उसकी जगह पे एक नकली इंसान इवांस को रोज पढ़ाने आता था. पढ़ाने क्या आता था, पूरी इंफॉर्मेशन बताने आता था, प्लान बताने आता था कि कब कब कैसे भागना है, और सारी चीजें उस प्लान पर वो स्टडी करते थे. God Almighty, there is a far more going on than I. Underline करिए और हिंदी में लिखिएगा. There is far more going on than I का मतलब है जितना मैंने सोचा था उससे अधिक. तो बोला ओ गॉड, हो भगवान, तू तो मुझसे भी कई गुना आगे है. जितना मैंने सोचा था उससे तू बहुत आगे है. Always will be sir. Evans बोला सर मैं हमेशा आपसे 10 कदम आगे रहूंगा, आप देखना. Everything ready, asked the governor as they stood by the reception desk. सब कुछ तैयार था. जैसे ही वो reception desk के पास पहुंचे, the van is out the front says, said the pretty blonde receptionist. वो खूबसूरत सी लड़की जो receptionist टेबल पर बैठी थी, उसने कहा सर बाहर वैन खड़ी हुई है, इसको वहां पर बैठा दीजिए. इसको पुलिस वाली वैन खड़ी हुई है. इवांस विंक एट हर. इवांस ने उसकी तरफ एक आंख मारी उसकी तरफ. एंड शी विंक बैक एट हिम. और उसने भी सेम रिस्पॉन्ड किया उस लड़की ने. इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे. और इससे क्या होता था, लड़कियों के साथ ऐसे फ्लैटरिंग करने से इवांस का दिन बहुत अच्छा हो जाता था. अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस. और एक चुपचाप जो साइलेंस प्रिजन ऑफिसर था उसने इवांस के हाथ में हथकड़ियां डालकर ले गया. एंड टुगेदर द टू मैन क्लाइम्बर्ड अवे वाइल्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन. और बाद में दोनों लोग उस जेल की कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. सी यू सून इवांस. बोले इवांस बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे.
It was almost as if governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. Cocktail party आप जानते हैं, बहुत सारी शराबों को एक में मिला दिया जाता है, फिर लोग पीते हैं। तो बिल्कुल गवर्नर ने उसको बाय बाय ऐसे कराया बारांस को, जिस तरह से वो उसका पुराना दोस्त हो और जिस तरह से कुछ लोग कॉकटेल पार्टी के बाद अपने डियर फ्रेंड्स को इस तरह से बाय बाय करते हैं। चीयरो सर, चीयरो सर का मतलब हैप्पी सर। आई बिफोर आई वाज जस्ट वंडरिंग, आई नो यू जर्मन प्रीटी गुड। मैं बहुत ही अच्छा हूँ सर, आपकी जर्मन क्लासेस बहुत अच्छी थी। बट डू यू नो एनी मोर दीज मॉडर्न लैंग्वेज? बोले सर कोई और दूसरा सिलेबस आए ना, रिवर्स करना है मजाक में, कि अगर कोई दूसरा सिलेबस आए ना तो मुझे बताना, मैं उसको भी पढ़ूंगा और भागने की कोशिश करूंगा। नॉट अ वेरी वेल, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होगा तो रिवाइव क्यों। इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट। इवान पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ गया एंड ग्रिन्ड हैप्पीली और आराम से मुस्कुराने लगा। नथिंग रियली, क्या वास्तव में ऐसी कोई सिलेबस गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है? आई जस्ट हैपेंड टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। पर आई जस्ट हैपेंड टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। हो सकता है इस सितंबर में अभी जर्मन क्लासेस आए थे ओ लेवल के, अब इटालियन क्लासेस आए। Perhaps you would not be with us next September events. तो जनरल ने कहा, उस गवर्नर ने कहा कि शायद इवांस तुम अगली सितंबर तक हमारी जेल में नहीं होगे। उसके कहने का मतलब था कि चाहे इवांस को मार दिया जाए या एनकाउंटर कर दिया जाए, इवांस होगा नहीं अगली सितंबर तक। गवर्नर के कहने का ये मतलब था, क्योंकि इवांस कॉज ऑफ न्यूसेंस बन चुका था पुलिस वालों के लिए। तो जेम्स रॉडरिक इवांस appeared to ponder the governor's words deeply. और जो इवांस था वो गवर्नर के शब्दों को गहराई से सोचने लगा कि गवर्नर के कहने का क्या मतलब है। No, perhaps I would not, he said. तो बोले हाँ सर, आप सही कह रहे हो, शायद अगली सितंबर तक मैं आपके साथ नहीं होगा। तो देखिए दोनों का कहने का अलग अलग मतलब है। गवर्नर के कहने का मतलब यह है कि अगली सितंबर तक तुम इस दुनिया में ही नहीं होगे, पुलिस वाले तुम्हें मार देंगे। जबकि इवांस के कहने का मतलब यह है कि मैं अभी कुछ समय बाद इसी पेन से भाग जाऊंगा और तुम्हारे हाथ ही नहीं आऊंगा तो मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। एज द प्रिजन बैंड टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नॉटन ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड, और जैसे ही जो प्रिजन बैंड थी, जेल की गाड़ी थी, चिपिंग नॉटन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ मुड़ी, द हाईथ्रोड साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ्स, और वो प्रिजन ऑफिसर जो पीछे बैठा था, हथकड़ी लगा दी थी उसने इवांस को, उसने उसकी हथकड़ियां खोल दी और मुस्कुराने लगा। और एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, और जो आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको बोला, फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन। बोले ईश्वर के वास्ते जितनी तेज कार सब चला सकते हो, इस बैन को चला सकते हो, चलाओ। इट वुड नॉट टेक देम नाउ टू फाइंड आउट, ये लोग पुलिस वाले हमको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि हमने वो जो दो पुलिस वाले थे उनको बेहोश करके या मार के ये गाड़ी छीन ली है। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर आज द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट असेंट। देखिए ये इस चीज को आप समझिए, आज द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट असेंट, ड्राइवर ने अपने शब्दों को बहुत ग्रेटिंग करते हुए बोला। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ड्राइवर है ये वही बंदा है जो इवांस का एग्जाम दिलाने आया था एज एन इन्विजिलेटर। इट मीन वाज दैट पर्सन वाज फेक मैकलेरी। तो बोले आप बताओ कहां ले चले, व्हाट अबाउट न्यूमरी, सजेस्ट इवांस। तो इवांस ने कहा क्यों न्यूमरी चलते, और न्यूमरी में पुलिस वाले हमको नहीं पकड़ पाएंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये पूरे दिन इवांस को न्यूमरी में खोजते रहे थे और
अब दोबारा से एडवांस न्यूमरी चला जाएगा तो पुलिस वाले कभी सोच ही नहीं पाएंगे ये न्यूमरी में होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एडवांस पुलिस वालों की पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि उस जो जेल वाली वैन थी उसमें कोई भी पुलिस वाला नहीं था, उसमें सारे नकली पुलिस वाले थे। जो असली पुलिस वाले थे उनको एडवांस के मेंबर्स ने क्या कर रखा था, डोमिनेट कर दिया था या मार दिया था या उन्हें बेहोश कर दिया था, उनकी वैन को छीन लिया, और इस बात को गवर्नर कभी नहीं जान पाया। थैंक यू।